ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही पूरे जिले में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है एवं मार्च महीने में ही तीक्ष्ण गर्मी का एहसास होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से संपूर्ण जिले भर में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विगत दो दिनों में दिन का तापमान जिस तरह का बढ़ा है, जिसे देखते हुए आगामी महीनों में भीषण गर्मी पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी रात के तापमान में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। रविवार के दिन जिले के कई हिस्सों में तापमान 37 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभागीय जानकारियों के अनुसार समीपवर्ती गुजरात प्रदेश में बने प्रेरित चक्रवात के कारण इस तरह के हालात बने हैं एवं आगामी दो दिनों तापमान में 2 डिग्री वृद्धि होने के आसार हैं। बढ़ती गर्मी का असर अब बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। दोपहर के वक्त व्यापारिक दुकानों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। सोमवार की दोपहर जिले के ग्राम ऊन में इसी तरह के हालात नजर आए एवं यहाँ की व्यापारिक दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक ही देखने को मिले हैं। इसके विपरीत घरों में भी अब लोगों ने पंखे एवं कूलर का उपयोग लेना शुरू कर दिया है। बढ़ती गर्मी में बाजारों के इस तरह के हालात लोगों को पिछले साल के लॉकडाउन की समय को याद दिला रहे हैं। पिछले साल मार्च के लॉकडाउन के दौरान बाजारों में इसी तरह का सन्नाटा देखने को मिला था। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। पिछले दो दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है और गर्मी में बढ़ोतरा होता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर एक प्रेरित चक्रवात बना है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में और कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊन में इस समय 37 डिग्री के लगभग तापमान है और गर्मी मार्च के महीने में ही चुभने लगी है। इस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी इसी तरह का सन्नाटा बाजारों में था और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह का सन्नाटा बाजारों में देखने को मिल रहा था, उसी तरह का सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी ने अपना लॉकडाउन शुरू कर दिया है और बढ़ता तापमान अब दुकानदारों के अलावा यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। SW24 दिनेश दसौंधी ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।